समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का आज गठन होने जा रहा है और शिवराज सरकार में आज 5 मंत्री जुड़ेंगे। नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल, मीना सिंह के नाम तय हैं। राज्यपाल लालजी टंडन आज दोपहर इनको राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बता दें कि तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत विधायक नहीं हैं, ये पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर कमलनाथ सरकार से इस्तीफा देकर बीजेपी से ये जुड़े। बीजेपी की इन्होंने सदस्यता ली। आलाकमान के वादे के मुताबिक अब मंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवराज सिंह ने पिछले महीने 23 मार्च को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अगले दिन ही देश में लॉकडाउन की वजह से वो मंत्री मंडल का विस्तार नहीं कर पाए थे, इसलिए अकेले ही कामकाज संभाल रहे थे। प्रदेश में दिनों दिन बिगड़ते जा रहे कोरोना के हालात के चलते मंत्रिमंडल के गठन की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। ऐसे में मंत्रिमंडल कितना बड़ा हो इस पर कई कवायद देखी गई। आखिर में लंबे सोच विचार के बाद ये मिनी मंत्रिमंडल सामने आया है जिसका गठन आज होगा। तो बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस ने ही इस खबर की पुष्टि की थी। टेलीग्राफिक्स के जरिए हम जो मंत्री बतौर मंत्रिमंडल में मंत्री बनने जा रहे हैं उनके राजनीतिक करियर पर नजर डालते हैं। नरोत्तम मिश्रा भी शपथ लेंगे, पिछली सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं, 6 बार से विधायक हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं। शिवराज की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई ऐसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जिनमें से स्वास्थ्य विभाग शामिल है उस महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो को वो संभाल चुके हैं। और हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता कमल पटेल से बात कर रहे हैं, चलिए रुख करते हैं। जी बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करता हूं और जो विश्वास मुझे में व्यक्त किया है उस विश्वास पर मैं खड़ा उतरू। ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम 7.5 करोड़ जनता की सेवा कर सके और ये कोरोना जो संकट है इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सके। और शिवराज जी हमारे नेता हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर टीम वर्क के रूप में काम करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, सबको सुरक्षित रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे और 7.5 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। काफी समय से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कवायद चल रही थी मगर फिर उसके बाद मिनी कैबिनेट गठित किया जा रहा है। कोरोना संकट के कारण केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि हम सबसे पहली हमारी प्राथमिकता भी कोरोना है, कोरोना पर विजय प्राप्त करना और इसलिए जो कुछ भी सारी शक्ति हम कोरोना को हराने के लिए लगाएंगे और जनता को सुरक्षित रखने के लिए। कौन सा अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी? नहीं, जो जिम्मेदारी देंगे उसको ईमानदारी से पूरा करेंगे। तो ये जी रश्मि जी बताइए है कि कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, लेकिन दुर्गेश बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है ये मिनी मंत्रिमंडल, किस तरह से देखते हैं और अभी क्या क्या वहाँ पे देखने को, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल रश्मि, मैं आपको बता दूं कि कमल पटेल बस निकलने ही वाले हैं राजभवन की तरफ और शपथ लेंगे मंत्रिमंडल की, मगर अहम सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अहम विभाग थे कमल पटेल के और शिवराज के करीबी माने जाते हैं, पिछड़ा वर्ग का एक प्रतिनिधित्व चेहरा माने जाते हैं ओबीसी वर्ग का, उनको एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है शिवराज की। देखने वाली बात यह होगी कि इनको कौन सा अहम जिम्मा प्रदेश का सौंपा जाता है। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली शिवराज सरकार में ये धर्म एवं राजस्व मंत्री का पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं और अब जिस तरह से मिनी कैबिनेट में इनको फिर से शामिल किया जा रहा है तो लग रहा है संकेत एकदम साफ है कि कोई अच्छा और बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के इस कहर में जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रश्मि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना संकट के चलते पिछले एक महीने से शिवराज पूरे मंत्रिमंडल का अकेले काम संभाल रहे थे, उसके बाद काफी समय से कवायद चल रही थी मंत्रिमंडल के गठित होने को लेकर, लेकिन फिलहाल उसके बाद जो केंद्र था केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद में शिवराज ने मिनी कैबिनेट का गठन आज मिनी मंत्रिमंडल का कैबिनेट का गठन करेंगी, आज 5 मंत्री उस पर शपथ लेंगे जिसमें से एक कमल पटेल भी हैं, जो कमल पटेल भारतीय जनता पार्टी से हैं और काफी दबंग नेता माने जाते हैं और इनके पास में अहम विभाग राजस्व विभाग था शिवराज सरकार में। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जो मंत्रिमंडल गठित हो रहा है, ये मिनी कैबिनेट जो गठित हो रहा है, इसमें कौन सा जिम्मा कौन सा अहम विभाग कमल पटेल को सौंपा जाता है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि पहले भी यह राजस्व विभाग संभाल चुके हैं शिवराज सरकार में, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्व विभाग का अहम जिम्मा कमल पटेल को सौंपा जा सकता है। चलिए आप बने रहिए, इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता देते हैं और दिखा देते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है। आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का
माननीय गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, कि उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए हमें माननीय शिवराज सिंह के सहयोग के लिए उपयुक्त समझा। अभी देश के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी टीम मोदी के रूप में काम कर रहे हैं। अब शिवराज सिंह जी के साथ हम सब टीम शिवराज बनके मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आज की प्राथमिकता आप सब जानते हैं, हमारे प्रदेश और देश और विश्व में एक वैश्विक महामारी कोरोना की चल रही है, और प्राथमिकता ये है कि हम जीते हैं, हमारे प्राणों से प्यारी जनता उसे कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो खाने पीने की दिक्कत हो, चाहे वो बीमारी की दिक्कत हो, स्वास्थ्य की दिक्कत हो, सुरक्षा की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत उनके सामने ना आए। वर्तमान में यही प्राथमिकता है। जो माननीय शिवराज सिंह जी की प्राथमिकता वो हमारी प्राथमिकता, जो माननीय मोदी जी की प्राथमिकता वो हमारी प्राथमिकता, जो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, सिर्फ उतना ही सोच है। कैप्टन तय करता है कि खिलाड़ी को स्लिप पे खड़ा करना है, कीपिंग पे खड़ा करना है, बाउंड्री पे खड़ा करना है, जो कैप्टन तय कर देगा अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश। इसके जरिए बताते हैं आपको कि नरोत्तम मिश्रा आज शपथ लेंगे। 2008 में भी ये विधायक रहे हैं, ग्वालियर चंबल इलाके के कद्दावर नेता हैं, 6 बार से विधायक हैं नरोत्तम मिश्रा। शिवराज की पिछली सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। तो तुलसीराम सिलावट सावेर विधानसभा से सिंधिया गुट के प्रमुख नेता माने जाते हैं, और मालवा का कद्दावर, मालवा जो क्षेत्र वहां के कद्दावर नेता है, कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, अनुसूचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 4 बार से विधायक रहे हैं सिंधिया गुट के, और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी। सुर्खी विधानसभा से गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया गुट के बेहद करीबी नेता है, बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। सामान्य वर्ग का जो वर्ग है उसका चेहरा है। सुर्खी विधानसभा से 3 बार ये विधायक रह चुके हैं। तो बुंदेलखंड का करेंगे प्रतिनिधित्व। कमल पटेल भी शपथ लेंगे मंत्रिमंडल में, ये भी शपथ लेंगे। 2009 में शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 2005 में बाबूलाल गौर के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके हैं, 2009 में शिवराज कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। तो नर्मदापुरम का चेहरा है, मानपुर से 5 बार से विधायक है मीना सिंह, विंध्य से पार्टी की कद्दावर नेता है, मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति का करेंगी प्रतिनिधित्व। 2003 में राज्य मंत्री भी रह चुकी है मीना सिंह। तो मानपुर से 5वीं बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंची है। तो मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करेंगी, 2003 में राज्य मंत्री रह चुकी है। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज शिव की सेना का गठन होने जा रहा है, 12 बजे का ये वक्त बताया जाता है। सहयोगी हमारे साथ दुर्गेश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, और इस वक्त डिबेट को ज्वाइन कर लिया है चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी ने। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। आज शिव की सेना का गठन होने जा रहा है, हालांकि बहुत ही ज्यादा छोटा ये मंत्रिमंडल है, लेकिन क्या कोशिश की जा रही है इस मंत्रिमंडल के गठन को करने की, और साथ ही जो मैसेज जो साथी कन्वे किया जा रहा है? देखिए, रस्क कई दिनों से बात चल रही थी कि शिवराज मंत्रिमंडल का गठन मिनी होगा, बहुत छोटा गठन होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संकट आया हुआ है, ऐसे बीच में
लॉकडाउन की भी स्थिति है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, फिर भी जो कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि अकेले ही सरकार चला रहे हैं, वन मैन आर्मी है, इस तरह सारी चीजों को लेकर के गठन हालांकि थोड़ा और पहले हो जाना था, लेकिन जो आज से 4-5 दिन पहले गठन होना था उसमें कहीं ना कहीं सिंधिया जी का इंटरफेयर हुआ और उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की, नड्डा जी से बात की, क्योंकि उस दौरान जो चर्चा हो रही थी उसमें सिंधिया जी के समर्थन में एक ही मंत्री ले, चाहे गोविंद राजपूत रहे हो चाहे तुलसी सिलावट, बाकी चार जो भाजपा के खांसी पुराने नेता है उनको लिया जा रहा था। इस कारण थोड़ा सा डिले हुआ और अंततः दो सिंधिया समर्थक जो रहे हैं, जिन्होंने जो अभी वर्तमान में विधायक नहीं है, इनको 6 महीने के अंदर उपचुनाव लड़ना पड़ेगा, तब ये मंत्री पद अपना कंटिन्यू कर पाएंगे। तो गोविंद राजपूत को ले लिया है और तुलसी सिलावट को ले लिया। अच्छा त्रिपाठी जी, यहाँ पे गोविंद सिंह राजपूत को लेना और मंत्रिमंडल में अगर हम बात करते हैं कि कमल पटेल, इनको भी लिया गया है, लेकिन जो लंबे वक्त से जो बुंदेलखंड की राजनीति को देखते आ रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं गोपाल भार्गव, वो उनको मंत्रिमंडल में अभी मिनी कैबिनेट में कोई जगह नहीं। ये आश्चर्यजनक बात है थोड़ा सा, क्योंकि गोपाल भार्गव इन शिवराज जी से भी सीनियर है। मैं आपको बता दूं 1990 में बुधनी से शिवराज पहली बार विधायक बने थे और गोपाल भार्गव 1985 में जब कांग्रेस की लहर थी उस विपरीत लहर से भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए थे, तब से लगातार वो जीतते आ रहे हैं और उनका जीत का अंतर भी थोड़ा अंतर नहीं रहता लंबा, कभी 40,000 कभी 50,000 कभी 25,000 अजय कहे जा सकते हैं, जैसे बाबूलाल गौर को गोविंदपुरा से अजय कहते थे, ये तो अभी भी अजय है। और सबसे बड़ी बात, नेता प्रतिपक्ष में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और उनको इस समय जगह नहीं मिल पाई, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे उनने कहीं ना कहीं समझौता किया होगा, क्योंकि सिंधिया जी गोविंद राजपूत जी को चाहते थे। एक बड़ा सवाल यहाँ देखिए, यहाँ अगर सोशल और जातिगत समीकरण के आधार पे आपको मैं बताऊं तो जाति समीकरण का पूरा संतुलन किया गया है, एक एससी वर्ग से तुलसी सिलावट, एसटी वर्ग से मीना सिंह, क्षत्रिय से गोविंद सिंह राजपूत, ब्राह्मण से नरेंद्र सिंह तोमर और कमल पटेल पिछड़ा वर्ग से, हालांकि वो जाट है लेकिन पिछड़ा वर्ग में आते हैं। इसके अलावा और देखिए आप, मालवा निवाड़ से तुलसी सिलावट, बुंदेलखंड से गोविंद राजपूत, बिंद से मीना सिंह, अनूपपुर माया वहां से आती है, मानपुर से जीती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और कमल पटेल मध्य से। तो इसके अलावा ऐसी चर्चा थी कि एक वैश्य समाज से भी अजय बिश्नोई को लिया जा सकता है, 6 हो सकते हैं लेकिन किसी कारण से हो सकता है नहीं हुआ हो, तो ऐसे में 5 लोगों का मान जाति और साथ में क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है। उस क्षेत्रीय संतुलन के ही ध्यान को रखते हुए गोविंद राजपूत जी को अगर लिया गया है तो गोपाल भार्गव को नहीं, क्योंकि बुंदेलखंड से 2 हो जाते हैं। ये निश्चित तौर पर गोपाल भार्गव को लिया ही जाना है, अजय बिश्नोई जैसे को लिया ही जाना है, ये सब 3 मई के बाद। कमल पटेल का जरूर थोड़ा बहुत आश्चर्यजनक कि कमल पटेल 2003 के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं, राजस्व मंत्री रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहते हुए हो सकता है इसमें नरोत्तम मिश्रा को कह लीजिए, कमल पटेल को कह लीजिए, तुलसी सिलावट है, 3 हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। कोरोना की इस समय लड़ाई में इन तीनों लोगों का जो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं उनका अनुभव भी यहां काम आ सकता है। देखना बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य महकमा किसके पास जाता है, स्वास्थ्य महकमा जिसके पास जाएगा वो कोरोना की लड़ाई में मुख्यमंत्री के बाद अगर मुख्य भूमिका होगी तो उनकी होगी। कमल पटेल 2008 में भी विधायक रहे लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से कुछ विवाद, उनके बेटों का कुछ विवाद हुआ था उन्हीं की जाट समाज से, तो उस समय उनके ऊपर केस भी चला, हालांकि वो बाइज्जत बरी हुए, उनके बेटों को केस चला। कमल पटेल ने वो प्रताड़ना भी झेली है कि उनको जेल में भी रहना पड़ा, सीबीआई के लंबे समय तक उनको प्रताड़ना झेली पड़ी, उसके बाद 2008 में चुनाव जीते। लेकिन इत्तफाकन वो 2013 में जब बीजेपी की एक तरह से लहर थी तब कांग्रेस के दोगने जो विधायक थे उनसे चुनाव हार गए, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा था कि 13 में हार गए तो 18 में नहीं। ऐसी स्थिति में कमल पटेल का एक जो जाट समुदाय है बीजेपी में, बड़े नेता जो है विक्रम वर्मा हो, इनके बहुत निकट माने जाते थे, तो ऐसी स्थिति में कमल पटेल को शामिल किया गया है, ये भी थोड़ा सा। और वहां मीना सिंह बिसाहूलाल जी का नाम आ रहा था तो ये हुआ कि भाई बिसाहूलाल तीनों जो इस समय एमएलए नहीं है
जिन्होंने कांग्रेस से विद्रोह किया था उनको ले लेंगे तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में वहां से सबसे सीनियर मीना सिंह ही बस्ती थी, शहडोल और अनूपपुर के उसमें आदिवासी पूरा बेल्ट है, मात्र एक सवर्णों के लिए सीट वहां है, तो मीना सिंह को लिया गया। मीना सिंह 2003 से 8 के बीच में वो मंत्री रही है, राज्य मंत्री रही है, लेकिन 8 के बाद अप्रत्याशित रूप से उनको नहीं लिया गया, न 13 में लिया गया न 8 में लिया गया। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लगता है कि पूरी तरह से क्षेत्रीय और जातीय संतुलन अभी 5 लोगों को कांग्रेस की त्रिपाठी की कांग्रेस की जो गलतियां हो गई थी, दिग्गजों को दरकिनार कर दिया गया था और दो दो बार से जीते हुए विधायकों को जिस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया था, तो शायद वो जो असंतोष की लहर जो कांग्रेस में थी उससे सबक लेते हुए शायद ये मिनी कैबिनेट का गठन किया गया है। असंतोष तो अब आगे से जो आप कह रही है ना, वो असंतोष जैसे गोपाल भार्गव नहीं है, इसमें विजय शाह नहीं है आदिवासी कद्दावर नेता, तो असंतोष उधर हो सकता है, लेकिन ये बीजेपी कैडर बेस पार्टी है। इसमें जो कमलनाथ सरकार थी 15 महीने रही, आपको ध्यान हो 15 महीने में आपने तरुण भानोत हो, सुखदेव पांसे हो, आपको इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो मंत्रिमंडल में पहली बार श्वेत की अनदेखी हुई है, बड़ी खबर बता रहे हैं। ग्वालियर संभल अंचल में 16 सीटों पर है उपचुनाव, अनदेखी से सिंधिया समर्थकों में खासी नाराजगी की खबर मिल रही है। इमरती देवी और प्रद्युमन सिंह के समर्थकों में खासी नाराजगी है। तो प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में पहली बार ग्वालियर की अनदेखी, ग्वालियर संभल अंचल में 16 सीटों पर होना है विधानसभा का उपचुनाव, फिर भी अनदेखी की गई है। सिंधिया समर्थकों की नाराजगी की खबर अब मिल रही है और सिंधिया के करीबी इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर का नाम नहीं होने की वजह से समर्थकों में खासी निराशा। सबसे ज्यादा विधानसभा के उपचुनाव वाले अंचल की सबसे बड़ी अनदेखी। वरिष्ठ सहयोगी विनोद शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, सुखबुगाहट और अनदेखी के आरोप अब लगने लगे हैं कि सबसे ज्यादा उपचुनाव भी यहीं होना है और इसी क्षेत्र को अनदेखा कर दिया गया, किसी को जगह नहीं मंत्रिमंडल में। देखिए, जो लगातार बीजेपी बात कहती आ रही थी वही कुछ होता नजर आ रहा है। बीजेपी का ये कहना था कि जो असंतुष्ट लोग हैं उनको हम संतुष्ट करके रखेंगे, लेकिन जैसा हो नहीं पाया। और चाहे बात करें प्रद्युमन सिंह तोमर की, इमरती देवी की, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त हमारे सहयोगी गोविंद सिंह राजपूत से बातचीत कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। चुनौतीपूर्ण शपथ है और हम सारे लोग जो आज शपथ ले रहे हैं, इस समय पूरा प्रदेश, पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है और कोरोना जैसी महाबीमारी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस दिन से शपथ ली है उस दिन से आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम सब लोग आज शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सारे लोग कैबिनेट बैठक होगी और कैबिनेट में सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो कोरोना से हम कैसे निपटें और जनता को कैसे मदद करें। विभाग कौन सा सर आपको मिलेगा कुछ इस बात की जानकारी? वो सब हाईकमान का निर्णय, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। अब क्या होना वो सब मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे। आपके बहुत सारे साथी हैं जो ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, उनको आने वाले सबको मिलेगी, ये मैं समझता हूँ। बहुत छोटा सा मंत्री और वरिष्ठ सहयोगी विनोद शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अपनी बात पूरी कीजिए।
जिस तरह से कल हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी से बात हुई थी और उनसे एक बड़ी चर्चा हुई थी, उनका ये कहना था कि निश्चित तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वो काफी इसको लेकर उत्साहित थी वो, और जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन देर शाम तक उनकी जो उत्साह है वो पूरा तरह से फीका हो गया। और प्रद्युम्न सिंह तोमर जो की इंडिया के सबसे खास माने जाते हैं, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी जुड़ गए। शर्मा जी बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगता है संपर्क बीच में ही टूट गया, दोबारा हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। विनोद अपनी बात पूरी कीजिए। विनोद जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। शर्मा जी मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने जा रहा है, हालांकि छोटा ये मिनी कैबिनेट इसको कहा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं कोरोना संकट में इस छोटे से मंत्रिमंडल को आप? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से शपथ ली है उस दिन से वो दिन रात एक करके लगातार लगे हुए हैं और कोरोना महामारी के संकट को बहुत गंभीरता से उन्होंने संभाला है। आज आवश्यकता उनको इस बात की लगी कि मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटा टीम उनकी और उनके साथ कुछ हेल्प मिले, इस नाते से सबसे बात करने के बाद उन्होंने आज 5 सदस्यीय छोटे मंत्रिमंडल का आज शपथ यहाँ पर होगी और बहुत विश्वास के साथ है कि सभी लोग मिलकर के कोरोना महामारी के संकट को गंभीरता के साथ लगेंगे और इसको हम निजात पाने में सफलता सबको मिलेगी। जी बिल्कुल। हम इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करना चाहेंगे वो। शर्मा जी जो एक कमेटी बनी थी जिसमें आप संयोजक थे और मुख्यमंत्री जी थे, कैलाश विजयवर्गीय जी थे, जो इस संकट से निपटने के लिए, इस गठन के बाद भी ये कमेटी रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी, कमेटी तो टास्क फोर्स है पार्टी का, टास्क फोर्स काम कर रहा है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी है और जो लोग इसमें ऑलरेडी पहले वो भी है। जी थोड़ा सा यहाँ पे जो राजनीतिक सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के जो खांटी नेता थे, कद्दावर नेता थे, उन ये छोटे सा जो भी गठन हुआ है इसमें उनका नाम नहीं है बल्कि सिंधिया जी से जुड़े दो लोगों का नाम है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, आज जिन जिलों में जो शपथ लेने वाले हैं, चाहे तुलसी सिलावट जी हों, चाहे राजपूत जी हों, या भारतीय जनता पार्टी के बाकी जो लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए आप बिल्कुल इस बात में जो आज की आवश्यकता के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लगा है कि इस समय इसमें पांचों संभागों का प्रतिनिधित्व है, हर समाज वर्ग के लोगों का इसे छोटे मंत्रिमंडल में ही प्रतिनिधित्व, ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आप बिल्कुल ये सब लोग कारगर सिद्ध होंगे मध्य प्रदेश की सारी परिस्थितियों को तो कोरोना महामारी की संकट से निपटने के लिए। जी बिल्कुल वाकई में, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सभी लोग कारगर साबित होंगे। शर्मा जी क्योंकि आप भी लगातार जिस तरह से जो कोरोना का संकट पूरे देश में बरपा हुआ, पूरे विश्व में बरपा हुआ, उसको लेके आप भी वक्त वक्त पर मॉनिटरिंग करते आ रहे हैं और जिस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी मतलब पालन करते हुए लोगों को अपील भी कर रहे हैं, इसका कितना रिस्पॉन्स आप आम लोगों में देख रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग में लेकर के फेस मास्क वगैरह सारी चीजों का आह्वान भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और हर जगह पर हम इसका उपयोग कर रहे हैं। जी और जिस तरह से जो केसेस बढ़ रहे हैं प्रदेश में कोरोना को लेकर, उसको लेके क्या कुछ आपका कहना है? कि कंट्रोल हुआ है अब, क्योंकि सरकार ने सारी चीजों को उपलब्ध करा करके टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसके कारण से केस बढ़े हैं, लेकिन अब काफी कुछ कंट्रोल हुआ है, दिन प्रतिदिन परिस्थितियां सुधर रही है। जी शर्मा जी क्योंकि आज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, ये बहुत ही छोटा मिनी कैबिनेट है, इसके बाद जो कैबिनेट का विस्तार होगा वो कब तक हो पाएगा? वो कोरोना महामारी के संकट से निपट ले और 3 दिन को लॉकडाउन हमारा 3 दिन तक, उसके बाद देखेंगे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त हमें मंदसौर से मिल रही है और चलिए मंदसौर से बड़ी खबर, हरदीप सिंह डंग का नहीं है मंत्रिमंडल में नाम, बड़ी खबर बता रहे। सबसे पहले इस्तीफा देकर सरकार, कमलनाथ सरकार को गिराया था, पूर्व सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने पर दिया था इस्तीफा। सोशल मीडिया पर हरदीप सिंह डंग को लेकर अब वो ट्रॉल हो रहे हैं, तो बड़ी खबर, पिछली सरकार में भी जगह नहीं मिली थी और अभी भी मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली है। तो हमारे साथ विनोद शर्मा जी लगातार वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, त्रिपाठी जी भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। विनोद जी आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन त्रिपाठी जी आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, क्या इस
ये जो सिचुएशन है हरदीप सिंह डंग की, इसको किस तरह से आप देखेंगे कि पहली सरकार में भी कोई जगह नहीं मिली और वहां सरकार गिराने में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी हमने निभाई और अभी अब जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है उसमें भी हमारे हाथ कुछ नहीं आया? देखिए अभी तो नहीं कह सकते, अभी 3 मई के बाद जैसा बीडी शर्मा जी ने कहा 3 मई के बाद गठन होगा तो उसमें जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 लोग हो सकते हैं, उन 10 में से 6 सिंधिया जी के कट्टर समर्थक जो थे जो मंत्री थे, और जो 4 नाम और लिए जा रहे हैं उसमें हरदीप सिंह डंग, एदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह और दत्ती गांव जो है राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, ये 4 लोग हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सिंधिया जी के समर्थक जो बंगलौर भेजे गए थे वो 18 समर्थक थे और हरदीप सिंह डंग मीनाक्षी नटराजन से जुड़े थे, एदल सिंह कसाना, साहू लाल सिंह ये दिव्य सिंह जी के निकट माने जाते थे और मीनाक्षी नटराजन से हरदीप सिंह ने, और यही इसी तरह राज्यवर्धन सिंह जी भी दिव्य सिंह जी के साथ जुड़े माने जाते थे। लेकिन इन लोगों की अनदेखी राज्यवर्धन सिंह की इसलिए नाराजी थी कि प्रियवत सिंह जो 2 बार के जीते हैं उनको मंत्री बना दिया गया, एदल सिंह कंसाना 4 बार 5 बार कद्दावर नेता है उनको नहीं बनाया गया, बिसाहू लाल 93 से 98 के बीच मंत्रिमंडल थे उनको नहीं बनाया गया, पीडब्ल्यूडी जैसा महकमा उनके पास था। हरदीप सिंह डंग की यह नाराजी थी कि एकमात्र सरदार विधायक चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और दूसरी बार वो भी जीते थे, मंदसौर से जीते थे जहां इतना बड़ा गोलीकांड हुआ था, तो उनकी अनदेखी की गई थी। हरदीप सिंह डंग तो और पहले सेरा और इनके साथ पहुंच गए थे वो बंगलौर, ये सिंधिया समर्थक भी उनके बाद पहुंचे हैं, ये लोग पहले ही वहां पहुंच गए थे। अब ऐसी स्थिति में फिर से वही है कि हरदीप सिंह डंग का कोई केंद्र में उनका उनकी तरफदारी करने वाला कोई नहीं है विशेष तौर से, वो एक मर्सी उस पर जरूर आ सकते हैं कि भाई इनको लेना चाहिए सरकार गिराने में थे, लेकिन यहां सिंधिया जी ने अपने 6 मंत्रियों को इसी शर्त पे इस्तीफा दिलवाया था कि इनको बीजेपी सरकार में लिया जाएगा। इनसे हमारा सवाल है विनोद जी से, विनोद जी का रुख करेंगे, पहले हम यहाँ से मंदसौर से भी खबर ले लेते हैं, बलवंत भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। बलवंत, किस तरह की सुखबुगाहट अब वहाँ पे देखने को मिल रही है क्योंकि हरदीप सिंह डंग सोशल मीडिया पर तो चमकर ट्रोल हो रहे हैं? कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो अति उत्साहित दिख रहे हैं क्योंकि हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दिया था तो कांग्रेस सरकार के दौरान लगातार उनकी यही मांग रही थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाए और इस्तीफा देने के बाद उनका वक्तव्य भी यही आया था कि कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता की उपेक्षा हुई है। हालांकि भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी और जो यहाँ के भाजपा के जो स्तरीय नेता है वो अपने आप को अपने कार्यकर्ताओं को यह कहकर संतुष्ट कर रहे हैं कि आने वाले विस्तार में हरदीप सिंह डंग को जगह दी जाएगी, अभी छोटे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं हरदीप सिंह डंग की उपेक्षा हुई है। कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं, हरदीप सिंह डंग को कहीं ना कहीं तो मजबूती की आवश्यकता है। जी किसी तरह का कोई रिएक्शन हरदीप सिंह डंग की तरफ से? फिलहाल हरदीप सिंह डंग की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, कुछ मीडिया कर्मियों ने उनका रिएक्शन जानने की कोशिश भी की तो वह ये कहते हुए नजर आया कि संगठन जो तय करेगा वही सर्वमान्य होगा। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बस यहाँ विनोद से सवाल ये होता है, विनोद है क्या? जी 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 जुड़े हुए हैं। विनोद, सवाल यहाँ इमरती देवी प्रद्युमन सिंह तोमर का नहीं है, सवाल इस बात का है कि सिंधिया के वो कट्टर समर्थक कुएं में कूद जाएं की बात होती थी, ऐसी स्थिति में सिंधिया जी ने जो नाम दिए हैं 2 फिलहाल इस छोटे मंत्रिमंडल में, उनको उन्होंने शरीक कर लिया है, उन्होंने प्रद्युमन तोमर, इमरती देवी, प्रभु राम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया इनके नाम अभी नहीं दिए हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं त्रिपाठी जी, कि जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल की जो राजनीति है वो ज्योतिराज सिंधिया जी की राजनीति चंबल अंचल से है और सबसे ज्यादा जो सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी ग्वालियर चंबल अंचल के ही विधायक उसमें सबसे ज्यादा शामिल रहे। अब ऐसे में भिंड में चुनाव होने हैं, मुरैना में होने हैं, ग्वालियर में चुनाव होने हैं, दतिया में चुनाव होने हैं, टिपरी के कई विधानसभा में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब यहाँ का जो असंतुष्ट है क्योंकि जब ज्योतिराज सिंधिया को सीएम नहीं बनाया गया था तो वही कमोवेश स्थिति रही थी कि लोग लगातार ये कहते रहे कि हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को किलो लेकर उस समय वोट किया था और उनको सीएम नहीं बनाया गया। अब जो विधायक हैं जिनके जो समर्थक हैं चाहे पूर्व मंत्री हों या विधायक हों उनके लोगों में जरूर असंतोष
तौर पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये माना जा रहा था कि जो इमरती देवी और प्रद्युम्न सिंह तोमर को मंत्रिमंडल में दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं अंचल में, तो अंचल की एक मजबूती रहेगी। यहाँ पर उपचुनाव भी होना है और इसको लेकर अब जो भी सिंधिया समर्थक है, चूंकि अब उनको कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है रहे हैं ग्वालियर में, उनको कहीं ना कहीं बोलने का मौका दे दिया है बीजेपी ने और वो जरूर कहीं ना कहीं विरोध उनको मौका दिया है या सिंधिया जी के विरोध। भाई सिंधिया जी जो नाम दिए है ना उनको ले लिया है, तो ये मौका सिंधिया 14 जो उपचुनाव है सिंधिया जी को जिताने की जिम्मेवारी है। तो निश्चित तौर पे अभी एक महीने हुए इस्तीफा, 6 महीने के अंदर चुनाव होने, अभी 5 महीने बचे हैं, तो जो 5 महीने बचे हैं इसमें निश्चित तौर पे वो भी इतनी बड़े पॉलिटिशियन है, वो अगर मंत्री रहते हुए कोई चुनाव लड़ता है तो ज्यादा सबल रहता है। तो 3 मई के बाद जैसा कहा जा रहा है कोरोना से निपटने के बाद इन सबको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देखिए सब बात यही है महत्वपूर्ण कि सिंधिया ने दो नाम दिए हैं। अब चूंकि जैसा कि जो इमरती देवी हो चाहे प्रद्युम्न सिंह, वो लगातार ये कहते रहे कि सिंधिया जो चाहेंगे वो करेंगे, उनकी तरफ से कोई अभी असंतुष्ट जैसा माहौल सामने नजर नहीं आया, ना ही उनने किसी तरह से कहा। और ग्वालियर में जो उनके समर्थक हैं वो भले ही दबी जवान कह रहे हो कि कहीं ना कहीं उनमें असंतुष्ट है, लेकिन इसको लेकर खुलेआम तौर पर अभी कोई नहीं आया। और चुनाव होने हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी एक अपना बड़ा इलाका है, उसमें चुनाव होने हैं, डबरा में चुनाव होने हैं। अब चूंकि डबरा के जो मूल रूप से रहने वाले हैं नरोत्तम मिश्रा, उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है, तो वहां जरूर लोगों में इस बात को लेकर अच्छा माहौल बनेगा। लेकिन जो नहीं दिए गए हैं वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इससे हताश हुए। अब 3 मई की बात है, 3 मई के बाद मंत्रिमंडल में उनको किस तरह से शामिल किया जाता है या क्या स्थिति आगे बनती है, क्योंकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि ये छोटा मंत्रिमंडल है, इसमें जरूरत थी क्योंकि अभी तक केवल सीएम सभी प्रभार संभाले हुए थे और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही थी। तो ये जो प्रथम दृष्टया में जिस तरह से 5 मंत्री इसमें शामिल किए गए, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत है, तुलसी सिलावट है, और इनको उसमें शामिल करने के बाद एक हद तक ये माना जा सकता है कि कुछ दिन और निकाल सकते हैं शिवराज सिंह की, 3 मई तक का वो जैसे बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल के गठन से कुछ दिनों तक, बल 3 महीने के बाद अगर मंत्रिमंडल गठन होता है तो उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है, किस तरह का दृश्य निकल के सामने आता है, वो बात की बात है। लेकिन आज से लेकर 3 मई तक तमाम तरह के जो परिदृश्य हैं वो बदलते नजर आएंगे, कई तरह के बयान हो सकता है सामने आएंगे, कांग्रेस भी बयान देगी कई तरह के, क्योंकि जैसे उनने कहा इमरती देवी ने, महाराज कहेंगे कुएं में गिर जाएंगे। और कल भी उनने ये कहा था कि हम किसी पार्टी में नहीं है, हम बीजेपी में नहीं है, हम कांग्रेस में भी नहीं थे और हम किसी पार्टी में नहीं है, महाराज ने हमको पार्टी में लाए हैं, महाराज के हम साथ हैं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कल अलग पार्टी बनाते तो उनके साथ है, वो कहते हैं हट जाइए तो उनके साथ है। तो इतनी जो उनमें उसके लिए समर्पित भाव है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, लिहाजा हो सकता है कि पहले सिंधिया ने सबसे बात करी हो, बात करने के बाद उन्होंने तय किया हो कि अभी आपको रोका जाता है और जो नाम दे रहे हैं वो देते हैं। बातचीत जरूर हुई होगी, बिना बातचीत के ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि जब कांग्रेस छोड़ी गई थी, कांग्रेस से बगावत की गई थी, उस समय भी एक बड़ी रणनीति बनी थी, बड़ी बातचीत हुई थी, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो ये मंत्रिमंडल में जो सिंधिया की तरफ से नाम गए हैं, दो नाम, विनोद, यहाँ एक मार्के की बात या ध्यान देने वाली बात ये है कि सिंधिया जी के निकटस्थ जो लोग हैं जिनके नाम दिए हैं वो दोनों ही चंबल और ग्वालियर संभाग से नहीं है जहां सिंधिया जी का प्रभाव है। बिल्कुल, ना तो गोविंद सिंह राजपूत यहां से आते हैं और ना ही तुलसी सिलावट यहां से आते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग एक अपने आप में बड़ा महत्व रखता है, चाहे बीजेपी की सरकार जिस समय गई थी उस समय भी ग्वालियर चंबल संभाग से कांग्रेस को बहुत सीटें मिली थी और ग्वालियर चंबल संभाग ने ही कांग्रेस को सरकार को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन में से कम एक ग्वालियर चंबल संभाग में से एक मंत्री होना चाहिए था, ये इन जो 5 मंत्रियों में से एक मंत्री हो सकता है, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की में से किसी एक की जगह ग्वालियर चंबल अंचल से किसी एक को दिया जा सकता, तो बहुत कुछ बैलेंस हो सकता था। क्योंकि आज बात करें तो आज 21 तारीख और 21 तारीख से लेकर 3 मई तक एक बड़ा ज्यादा समय नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक हिसाब से, राजनीतिक लिहाज से एक बड़ा समय कह सकते हैं और ये संतुष्ट हो जाते हैं। इससे बहुत सारी चीजें ये निकल के सामने आती है कि जो उनके कांग्रेस के कार्य, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या जो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं उत्तराखंड के साथ, उनमें एक तरह से एक सामान्य जैसे बैठा रहता कि हमारे यहाँ से एक मंत्री दिया है और भी आगे मिल सकते हैं मंत्री हमको। और जो अब चूंकि उनके सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि पता नहीं क्या होगा, 3 मई को हमें लेते हैं या नहीं लेते, फिर चुनाव आ जाएंगे, चुनाव में जनता के सामने जाना है, बहुत कम समय हमें मिलेगा मंत्रालय में,
और बहुत कुछ परिदृश्य से निकल के बदलेंगे। ऐसे में चूंकि बहुत कुछ बदला है, एक डेढ़ साल के अंतर्गत जो चपाटी सर इतना कुछ बदला है कि मंत्री काम ही नहीं कर पाए हैं, उठापटक में लगे रहे हैं, कभी कुछ रहे, तो जो जनता के बीच में अब उन्हें जाना पड़ेगा और जनता से ही वोट मांगनी है, क्योंकि वोट जनता ही देती है, वोट कोई राजनीतिक पार्टी नहीं देगी और ना कोई बड़े नेता देंगे, वोट जनता देगी। अब वो जनता के सामने जाएंगे और जब तक अगर उनके जनता के लिए कुछ किया ना हो, क्योंकि पद्म सिंह तोमर लगातार खुद ही नालों और नालियों से कचरा निकालते रहे इतने दिनों तक, कुछ नहीं ज्यादा हो पाया उनके क्षेत्र में, अब ऐसे में वो लोगों के सामने जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, लोग उन पर किस तरह से विश्वास करेंगे, किस तरह से लोग उन पर ये विश्वास करेंगे कि नहीं भाई आप आगे आपको अच्छा और पूरी तरह से स्वतंत्र तौर पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां सामने आने वाली हैं राजनीतिक प्रदेश में, जिनको देखना होगा, खास करके ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ी स्थिति विपरीत हो सकती है और जो अभी स्थिति बनी है वो वाकई कहीं ना कहीं निराश जरूर हुए सिंधिया समर्थक जो ग्वालियर के हैं। जी जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि विनोद जी जिस तरह से कल एक प्राइवेट टीवी चैनल को इमरती देवी एक बाइट दे रही थी, कह रही थी कि कल जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उसमें तो मेरा नाम लगभग तय है, उन्होंने इसको बहुत प्रोमिनेंट तरीके से भी कहा। और अब आज जिस तरह से जो पांच नाम आए हैं, हो सकता है छह नाम आ सकते थे अगर सहमति बनती तो छह नाम की भी मिनी कैबिनेट हो सकती थी, लेकिन ये पांच ही नाम है और सबसे ज्यादा 16 सीटों पर भी उपचुनाव ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ही है जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब क्या इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि समर्थकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई इनको जगह देनी चाहिए, लेकिन सभी बहुत ही सामान्य कंडीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि सामान्य कंडीशन है इन लोगों की भी। देखिए पहले तो बता दूं कि भरती देवी ने जो कल एक बाइट दिया था और एक बंटू बन जो किया था वो हमारे चैनल को दिया था और हमसे ही कहा था कि मैं पूरी तरह से मंत्री बनूंगी और ऐसा मेरे जनता भी मानती है। स्थिति अब चूंकि कल वो डबरा क्षेत्र में गई, पूरे अपने विधानसभा के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। ठीक लौटूंगी आपके पास, इस वक्त मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। मंत्रिमंडल में नहीं किया जाएगा विभागों का बंटवारा, इस वक्त की बड़ी खबर, बिना विभाग के बनाए जाएंगे सभी मंत्री। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, संभागवार सौंपी जाएगी कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी, बिना विभाग के मंत्री बनाए जाएंगे। त्रिपाठी जी, इस वक्त किसी को भी कोई भी पोर्टफोलियो नहीं दिया जाएगा और जितने भी मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। रस्क बिल्कुल वही जैसा हमने आपसे कहा था कि ये क्षेत्रवार, मतलब बिंद है, बुंदेलखंड है, मालवा है, मध्यांचल है, महाकौशल, महाकौशल से इसमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन महाकौशल एक तरह से कहें तो हरदा उससे भी जोड़ सकते हैं आप, मालवा निवाड़ से भी जोड़ सकते हैं, मध्य क्षेत्र से भी जोड़ सकते हैं, तो हरदा से कमल पटेल है। तो ऐसी स्थिति में अगर विभाग इनको नहीं दिया गया है तो निश्चित रूप से सारे विभागों का, अगर विभाग दे दिया जाता तो सिर्फ उस विभाग से जुड़े लोगों जो अधिकारी हैं उन्हीं को निर्देश दे सकते थे, अब वो सारे विभागों से जुड़े अधिकारियों को निर्देश देंगे, बकायदे मुख्यमंत्री जी का ही मैसेज जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी के पास भी सारे विभाग हैं, बाकी उनके पांच सहयोगियों के पास भी सारे विभाग हैं। तो ये मुख्य लड़ाई, इसके पहले भी मैंने कहा था कि इसमें तीन लोग ऐसे हैं, तुलसी सिलावट तो स्वास्थ्य मंत्री थे ही, चिकित्सा शिक्षा मंत्री कमल पटेल भी रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री महकमा नरोत्तम मिश्रा जी के पास भी रहा है। तो तीन तो अनुभवी लोग हैं, इसके अलावा दो लोग और हैं जो गोविंद राजपूत हैं जो स्वास्थ्य विभाग से नहीं जुड़े रहे हैं, तो खुद मुख्यमंत्री जी हैं, तो बेहतर हमें लगता है उन्होंने बहुत अच्छा सूझबूझ के साथ ये उन्होंने निर्णय लिया है कि अभी फिलहाल कोई भी विभाग ना दिया जाए और सारे विभागों से जुड़े जितने भी जनहित के काम है, कोरोना से लड़ने में जो भी उपयोग हो सकता है जिस विभाग का भी उसका उपयोग कर सके। जी, वरिष्ठ सहयोग निर्मल सिंह बैस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी बताएं क्या और जानकारी। देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं, और जाहिर तौर पे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहला ये कि अगर मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो जाता तो अभी जिस तरीके से जिक्र हो रहा है कि असंतोष को और बढ़ावा मिल जाता, तो पहला तो असंतोष को दबाना एक बहुत बड़ा काम है और दूसरा जो है कोरोना, सरकार ये दर्शाना चाहती है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे में अगर विभाग बांट दिया जाते हैं, असंतोष हो जाता है तो लड़ाई कमजोर होती है। अब जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि सभी मंत्री अनुभवी हैं और लंबा अनुभव है, 10 से 12 विभागों का नरोत्तम मिश्रा के पास अनुभव है, तो ये जो अनुभव है मंत्रियों का ये कहीं ना कहीं अब काम आएगा। और चूंकि सभी एक लाइन में है, किसी का विभाग छोटा नहीं होगा, किसी का विभाग बड़ा नहीं कहलाएगा, किसी का विभाग मलाईदार नहीं कहलाएगा,
किसी का विभाग सूखा नहीं कहलाएगा, तो इससे बहुत सारी चीजें जो है साधने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे ऐसा लगता है। और जैसे कि मैंने कहा कि सरकार ये दर्शाना चाह रही है जनता को कि उसकी प्रतिबद्धता कोरोना से लड़ने की है और वो पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ रही है, और चूंकि बीजेपी का ये आरोप रहा है कि कमलनाथ सरकार ने कोरोना की लड़ाई को लेकर कुछ भी नहीं किया, तो इस तरह की चीजों को देखते हुए बहुत कुछ संभव है कि विभागों का बंटवारा नहीं किया जाएगा। जी जो 3 तारीख के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तब तक लोगों को साथ के रखने की कोशिश कि विभागों का बंटवारा नहीं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत मैंने कहा ना कि कई जो है इससे चीजें ध्वनित हो रही हैं कि विभागों का बंटवारा अभी नहीं किया गया जा रहा है, और इससे जो जो खासकर सिंधिया समर्थक जो पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आएंगे, और जो उधार बैठे हैं कहना चाहिए मंत्री बनने के लिए, जिन्होंने मंत्रिमंडल मंत्री बनने के लिए ही कांग्रेस का दामन छोड़ा था, जिसमें कि चाहे सुरेंद्र सिंह शेरा की बात करें, अंदर सिंह कंसान की बात करें, बिसाउल्लाल सिंह की बात करें, ये तो मंत्री बनने के लिए ही बीजेपी के पाले में आए हैं, तो इन लोग को भी कहीं ना कहीं अभी फिलहाल इस बात से तो संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री बनने के साथ साथ जाहिर सी बात है कि जो विभीषण जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में गए हैं वो विभाग के भी सपने कहीं ना कहीं बैठ के देख ही रहे होंगे। जी जी बिल्कुल, बाकी मैं बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच में अपने दर्शकों को बता देते हैं कि नरोत्तम मिश्र ने क्या कुछ कहा है। आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, कि उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए हमें माननीय शिवराज सिंह के सहयोग के लिए उपयुक्त समझा। अभी देश के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी टीम मोदी के रूप में काम कर रहे हैं, अब शिवराज सिंह जी के साथ हम सब टीम शिवराज बनके मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आज की प्राथमिकता आप सब जानते हैं, हमारे प्रदेश और देश और विश्व में एक वैश्विक महामारी कोरोना की चल रही है, और प्राथमिकता ये है कि हम जीते, हमारे प्राणों से प्यारी जनता उसे कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो खाने पीने की दिक्कत हो, चाहे वो बीमारी की दिक्कत हो, स्वास्थ्य की दिक्कत हो, सुरक्षा की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत उनके सामने ना आए, वर्तमान में यही प्राथमिकता है। जो माननीय शिवराज सिंह जी की प्राथमिकता वो हमारी प्राथमिकता, जो माननीय मोदी जी की प्राथमिकता वो हमारी प्राथमिकता, जो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, सिर्फ उतना ही सोच है। कैप्टन तय करता है कि खिलाड़ी को स्लिप पे खड़ा करना है, कीपिंग पे खड़ा करना है, बाउंड्री पे खड़ा करना है, जो कैप्टन तय कर देगा अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और जो विश्वास मुझे में व्यक्त किया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूं, ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम 7.5 करोड़ जनता की सेवा कर सके और एक कोरोना जो संकट है इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सके, और शिवराज जी हमारे नेता हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर टीम वर्क के रूप में काम करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, सबको सुरक्षित रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, और 7.5 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। काफी समय से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कवायद चल रही थी, मगर फिर उसके बाद मिनी कैबिनेट गठित किया जा रहा है। कोरोना संकट के कारण केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि हम सबसे पहले हमारी प्राथमिकता भी कोरोना है, कोरोना पर विजय प्राप्त करना, और इसलिए जो कुछ भी सारी शक्ति हम कोरोना को हराने के लिए लगाएंगे और जनता को सुरक्षित रखने के लिए। कौन सा अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी? नहीं, जो जिम्मेदारी देंगे उसको ईमानदारी से पूरा करें। पहले कमलनाथ सरकार में मंत्री और शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद राजपूत जी हमारे साथ हैं। राजपूत जी कैसा महसूस कर रहे हैं एक बार फिर मंत्री बन गए? देखिए महसूस कुछ नहीं, मंत्री में पहले रह चुका हूँ, लेकिन इस बार चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि ये जो जिस समय हमारा मंत्रिमंडल बन रहा है उस समय बहुत चुनौती है। मैं देख रहा हूँ कि पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, तो हम सब लोगों को संकट ही घड़ी है, और इस चुनौतीपूर्ण शपथ में हम लोगों का एक ही ध्येय रहेगा कि हम सब लोग कोरोना से मुक्त हमारे प्रदेश को करने में जितनी मदद कर सकें उतना जरूर। आप ही की सरकार, बीजेपी सरकार के मंत्री, अब आपकी सरकार कहना चाहिए, गोपाल भार्गव का कहना है कि कमलनाथ ने कबाड़ा किया, कोरोना को बहुत ज्यादा बढ़ावा उन्हीं की वजह से हुआ है, क्या मानते हैं आप? देखिए आरोप प्रत्यारोप के लिए हमारा पर्याप्त समय है, मैं समझता हूँ कि हम अभी कोरोना से लड़ लें
आरोप प्रत्यारोप खूब लगाएंगे, समय बहुत है। मैं समझता हूँ ये आरोप प्रत्यारोप का समय अभी वर्तमान में तो नहीं है। आपकी और अपने क्षेत्र को लेकर खासकर क्या प्राथमिकता है? कोरोना, अभी तो कोरोना हजार कोरोना फैला हुआ है, उसके लिए प्राथमिकता है। तो अभी जो है गोविंद राजपूत जी ज्यादा कुछ बोलने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, ये जरूर है कि उनका ये कहना है कि गंभीरता के साथ मंत्री बनने के बाद वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ निर्मल सिंह बैस, सराय एक्सप्रेस भोपाल। बिल्कुल वाकई में त्रिपाठी जी, हम देख रहे हैं कि कोरोना मतलब किस तरह से भयावह हो गया है। मान रहे हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता जो प्रायोरिटी है वो यही है कि कोरोना को हराना है, लेकिन इसी कोरोना के बीच जब कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया था तो यही वो तमाम दिग्गज हैं जिन्होंने कोरोना को दरकिनार करते हुए सरकार गिराना ज्यादा जरूरी समझा था। एक तरफ सरकार गिराना ज्यादा जरूरी समझा था, एक तरफ सरकार बनाए रखना भी जरूरी हो गया था। एक जैसा कि इसके पहले किसी ने कमेंट्स किया था कांग्रेस की कि भाई हमारे घर में आग लगाई, मैं अपनी आग बुझा रहा था, ये इनका कहना था कि आग तुमने खुद अपने से लगा ली। तो ये सारी चीजें हैं कि वो तो निश्चित तौर पर ये अंडरस्टूड है रस्क की वो सरकार सबसे बड़ी है, कोरोना तो सेकंड है। तो सरकार अगर ये नहीं गिराते सरकार तो भी सबसे बड़ा खेल यहाँ राज्यसभा का चुनाव था, हालांकि वो स्थगित हो गए। 26 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना था और राज्यसभा का चुनाव मतलब सरकार गिराने के साथ प्राथमिकता के साथ सबसे बड़ी प्राथमिकता उससे थी कि कम से कम 2 सीट बीजेपी ले जाए, क्योंकि लोकसभा में तो उसका बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत नहीं है। ऐसे में एक एक सीट राज्यसभा की बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और ऐसी स्थिति में जब उनके 22 एमएलए छोड़ करके चले गए तो इनका बहुमत हो गया। मैंने जहां 56 विधायक 58 विधायक एक राज्यसभा सदस्य चुनते, अब 52 विधायक चुन रहे, तो अब इनके पास ज्यादा हो गया है। अब इनके पास 104 विधायक हैं, 107 विधायक हैं, तो 104 में चुन लिए जाएंगे। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के पास अब 92 बचे हैं, तो उनको एक ही राज्यसभा वो चुन सकेंगे। तो वो बड़ी लड़ाई थी। तो ऐसे समय इसी बीच में कोरोना आ गया। तब कोरोना पहला आपको ध्यान हो कि कमलनाथ जी जिस दिन इस्तीफा दे रहे थे उसी दिन बाद में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया और उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उसके कारण पूरा तहलका मच गया था। तो कोरोना का पहला पॉजिटिव पेशेंट कमलनाथ सरकार गिरने के बाद आया जबलपुर में और यहाँ। तो कोरोना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना सरकार बनाना और बिगाड़ना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था शिवराज जी ने कि मैं शपथ लेते ही मंत्रालय पहुंचूंगा और सबसे पहले हमें कोरोना से लड़ना है। तो कोरोना देश के दूसरे हिस्सों में स्थिति मैंने भयानक हो रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति नहीं थी। अब तो मध्य प्रदेश देश के उन 3 शहरों में इंदौर है जहां सबसे ज्यादा भयावह स्थिति है। मौतों का आंकड़ा ले ले, संक्रमित का आंकड़ा ले ले, सबसे ज्यादा मैंने अगर केंद्र सरकार ने कुल 5 टीमें वहां तैयार की है अलग अलग जहां बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है, तो उसमें बंगाल, जयपुर, मुंबई के साथ इंदौर भी है जहां उन्होंने अपनी केंद्र की टीम भेजी है कि किस तरह से इसका आकलन करके किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। तो कोरोना अब महत्वपूर्ण हो गया, उस समय तो सत्ता किसकी होगी महत्वपूर्ण था। बिल्कुल वाकई में, और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि लाइन से जितने भी दिग्गज सब यही कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी पहली प्राथमिकता है, और अगर स्थिति को वक्त रहते तभी काबू में कर लिया होता तो शायद आज ये स्थिति हमें देखने को भी नहीं मिलती। चाहे बीजेपी सरकार होती रस, चाहे कमलनाथ सरकार होती, कोरोना जिस तरह से एक दूसरे को छूने से, टच करने से संक्रमित ये जो रोग है, जो संक्रमण फैला है, इसका उपचार तो बड़े बड़े इटली में नहीं हो सका। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में पूरे विश्व में नंबर 2 पे है इटली, कि वहां जहां सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मरने का आंकड़ा वहां औसतन सबसे ज्यादा है। तो इसको तो न कमलनाथ सरकार कंट्रोल कर सकती थी, ये राजनीतिक बयानबाजी अपनी हो सकती थी, न ही शिवराज सरकार कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी सुविधाएं हो सकती है, जितनी सावधानियां हो सकती है, सारी हो रही है, लेकिन जिस तरह से ये अब तक कितने में और संक्रमण फैल गया, अभी तो 7.5 करोड़ की आबादी है। हाँ, आप खुद देखिए कितने प्रतिशत सैंपल लिए गए हैं और जो सैंपल लिए गए हैं उसमें से कितने प्रतिशत पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 110 सैंपल, 120 सैंपल जो लिए गए उसमें से 27 पॉजिटिव आ गए भोपाल में। तो ये न वो रोक सकते थे, नहीं रोक सकते थे, लेकिन यहाँ जिस तरह से गोविंद राजपूत जी कह रहे थे, एक बड़ा संकट आने वाले समय में, संकट क्या, एक शिवराज जी के सामने दुविधा जो आएगी वो आएगी बुंदेलखंड को लेकर, खासकर सागर जिले को लेकर के। पहले 2 पावर बिंदु थे जो बीजेपी सरकार थी, एक गोपाल भार्गव जी का, एक भूपेश सिंह जी का। अब ये 2 पावर बिंदु तो है ही मात्र सागर में, तीसरे गोविंद राजपूत और सबसे निकटस्थ सिंधिया जी के। तो 3 पावर
पॉइंट हो जाएंगे, उस तीन पावर पॉइंट का सामंजस्य कैसे बनेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी राज्य में, क्योंकि भूपेंद्र सिंह का प्रभाव हमने देखा है, फिर चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, फिर महापौर को लेके हो, मतलब हम उनका दबदबा, यहाँ तक कि सीट का जो वितरण किया जाता है, किसको किस सीट से लड़ाया जाना है, टिकट आवंटन में भी हमने उनका दबदबा देखा है, सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र में, और खासतौर से अगर हम बात करें सागर के पूरे विधानसभा, क्योंकि 8 विधानसभा सीटें वहां पे आती हैं, तो उनका प्रभाव देखा। अब गोविंद सिंह राजपूत के आने के बाद से किस तरह का सिनेरियो बदलेगा, क्योंकि कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से शून्य होती जा रही है सागर संभाग। रस्ट अगर इसके पृष्ठभूमि में जाए तो गोपाल भार्गव का इसलिए पावर पॉइंट कह सकते हैं, वो 1985 से विधायक है, नेता प्रतिपक्ष से। रोकना चाहूंगी त्रिपाठी जी, इस वक्त हमारे साथ सागर संभाग से ब्यूरो हेड अजय दुबे जी जुड़ गए हैं। अजय दुबे जी, किस तरह से देख रहे हैं इस मिनी कैबिनेट के गठन को, और खास तौर से अगर सागर संभाग की अगर बात की जाती है, बुंदेलखंड की बात की जाती है, तो कितना प्रभाव यहाँ पे गोविंद सिंह राजपूत का इस मिनी कैबिनेट में शामिल होने पर? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से 4 दिन पहले तक कुछ और मंत्रिमंडल के गठन की चर्चा थी, और उसके बाद बदल के आज जो नाम आया है उसमें गोविंद राजपूत का नाम बड़ा महत्वपूर्ण आया है। और इन गोविंद राजपूत के लिए कल सिंधिया जी का फोन आता है शाम को 7:30 बजे, उसके बाद सुभाष भगत जी का फोन आता है, और सबसे आखिरी में 8:30 बजे मुख्यमंत्री जी का फोन आता है भोपाल बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद जब गोविंद राजपूत ने भूपेंद्र सिंह से चर्चा की कि भोपाल से फोन आ गया, तो उनको जानकारी नहीं थी भूपेंद्र सिंह को, ना ही गोपाल भार्गव हुई उनने गोविंद राजपूत ने फोन किया, तो गोपाल भार्गव की इसकी जानकारी नहीं थी। तो निश्चित रूप से सिंधिया जी ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बुंदेलखंड से गोविंद राजपूत का नाम शामिल करवाया है। अजय जी, ये ट्रायंगुलर पावर हो गया है, कैसे इसको मैनेज करेंगे, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और अब गोविंद सिंह राजपूत? ये बुंदेलखंड की नहीं बल्कि सागर जिले के पावर सेंटर तीन बनने वाले हैं। इसके पहले जब भी पहले शिवराज जी की सरकार थी या उमा भारती की सरकार थी, उस समय गोपाल भार्गव और हरनाम सिंह राठौर दो लोग हुआ करते थे। उसके बाद शिवराज जी की सरकार आई, उस समय गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह दो पावर सेंटर हुआ करते थे। और उसके बाद भी कमलनाथ की जब सरकार आती तो उसमें भी गोविंद राजपूत और हर्ष यादव दो पावर सेंटर थे यहाँ पर। लेकिन अब परिस्थिति पर बिल्कुल विपरीत है कि दो की जगह सिर्फ सागर जिले से ही तीन पावर सेंटर होंगे, और निश्चित रूप से गोविंद राजपूत को इनके पास बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई बार भूपेंद्र नाई से भी उनकी संबंध में चर्चा हुई, गोपाल भार्गव की से भी लगातार चर्चा में, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है सुर्खी का वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो बार एक बार एक दूसरे के विरोधी रहे गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह। एक बार गोविंद राजपूत भूपेंद्र सिंह से हार भी चुके हैं, वो एक बार गोविंद राजपूत भूपेंद्र सिंह से जीत भी चुके हैं। लेकिन गोविंद सिंह का एक जनाधार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में है, तो निश्चित रूप से गोविंद राजपूत को अभी चुनाव में तक या चुनाव के बाद भी उनका निश्चित रूप से समय में बनाने की कोशिश भी होकर। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि अजय जी जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में एक बार भूपेंद्र सिंह से भी हार चुके हैं गोविंद सिंह राजपूत, फिर उसके बाद फिर जीत के वो विधानसभा जाते हैं, फिर एक बार पारुल साहू से भी वो चुनाव हार जाते हैं और फिर इस बार फिर वो जीतते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर हम देखें, क्योंकि अब वहां पे कांग्रेस का कोई कद्दावर चेहरा नजर नहीं आता है, अगर हम जो लोग सागर विधानसभा से लड़ रहे थे वो अब कहीं ना कहीं अब कोशिश कर रहे हैं सुर्खी विधानसभा के लिए, फिर चाहे हम पुराने विधायक की अगर बात करें, सुनील जैन भी अब इसी कवायद में जुट जाएंगे, नेवी जैन भी अभी इसी कवायद में जुट जाएंगे, तो क्या लगता है कांग्रेस को अब इनमें से कौन संजीवनी देगा? फिर देखिए, नेवी जैन का नाम तो नहीं, लेकिन सुनील जैन है, सुदेश जैन है जो जिला पंचायत के पहले अध्यक्ष रहे दिग्विजय सिंह के काफी करीबी है, उनका बड़ी का काम है और उस एरिया। अजय जी रोकना चाहूंगी, मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये देखिए, काफिला राजभवन के लिए निकल गया है, राजभवन पहुंचे हैं ये जितने भी तमाम लोग जो आज मंत्रिमंडल में शपथ लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे राजभवन, मीना सिंह, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल राजभवन पहुंचे, काफिला दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, तो राजभवन ये पहुंच चुके हैं। जी अजय जी, बात पूरी कीजिए। तो
तो सुनील जैन का नाम भी एक महत्वपूर्ण नाम है, सुनील जैन का नाम है, और एक और महत्वपूर्ण नाम ब्राह्मण पुत्रों के नाम से आ रहा है, वो है संतोष पांडे का, जिनको आखिरी में कमलनाथ जी ने सहकारिता विभाग का सागर देने का उनका अध्यक्ष भी उसको बनाया हुआ था। तो ये लेकिन अगर देखा जाए तो सुर्खी विधानसभा में गोविंद राजपूत का एक अपना व्यक्तिगत प्रभाव, अगर कोई ग्रामीण कांग्रेस थी तो वो कहते थे कि सुर्खी विधानसभा तक सीमित थे, तो उनका पूरा परिवार का जो नेटवर्क है, छोटे से छोटे कार्यक्रम हो बड़े कार्यक्रम हो उसमें उनके पूरे परिवार की दखलंदाजी रहती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये कठिन वक्त होगा, गोविंद राजपूत को हराना एक कठिन परीक्षा होगी कांग्रेस के लिए। अजय जी, कुल 5 चुनाव लड़े हैं गोविंद राजपूत, जिसमें 2 हार गए हैं सुर्खी से। जी हाँ, 2 जो हारे हैं चुनाव वो बहुत कम मार्जिन से, 100-125 वोटों से हारे हैं, वो जितने 3 चुनाव जीते हैं वो 15,000 से ऊपर से लीड रही है गोविंद राजपूत की। बिल्कुल बाकी है जी, जी। से भी मात्र 125 वोटों से हारे थे, पारुल साहू से भी मात्र 80 वोटों से चुनाव हारे थे, भूपेंद्र सिंह से 198 या 298 से हारे थे। जी जी, 198 वोटों से भूपेंद्र सिंह चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद भूपेंद्र सिंह को तकरीबन 12,000 वोटों से दोबारा गोविंद राजपूत ने हराया था, और इससे भी कम मार्जिन पारुल साहू के साथ रहा है, शायद 40-42 सीटों का जो आपके पास। जी जी, लौटूंगी इस वक्त दर्शकों को वो सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं राजभवन से, जहां पर शपथ ग्रहण होना है, आज शिव की सेना का विस्तार होना है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्वराज एक्सप्रेस दिखा रहा हूँ, हालांकि बेहद ही छोटा ये मंत्रिमंडल है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण इसको बताया जा रहा है। जी अजय जी, बात पूरी कीजिए। जी, तो मतलब आने वाला चुनाव ऐसा नहीं है गोविंद राजपूत के लिए बहुत आसानी से, कोई नई पार्टी है, नए लोग हैं, तो गोविंद राजपूत